हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो ये खास वीडियो आपके लिए तैयार किया गया। दोस्तों, आपके मन बहुत सारे सवाल हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है एग्ज़ाम में, तो देखिए दोस्तों मैं आपके लिए कुछ निर्देश लेके आया हूँ जो यूपी पुलिस का मेरे पास पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला जो आपको लिखा गया है कि निर्धारित समय कितना दोस्तों 120 मिनट का है और कितने अंक का दोस्तों 300 अंक। आपके पास जो पेपर है दोस्तों ये 300 अंक का है। इनमें से आप यहाँ पे पहला निर्देश देखेंगे, पहला निर्देश क्या है दोस्तों कि OMR उत्तर पत्र प्राप्त होने के उपरांत जब आपको निर्देश किया जाए तो OMR उत्तर पत्रक में दिए गए विवरण को नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से ध्यानपूर्वक भरें। यानी कि साफ साफ बताइए यहाँ पे पेंसिल आपको लेके नहीं जाना है और जेल पेन आपको लेके नहीं जाना है, सिर्फ आपको क्या करना है नीले या काले बॉल, ठीक है, पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। यहाँ पे दूसरे निर्देश में क्या लिखा है दोस्तों कि परीक्षा की अवधि 120 मिनट है और कुल 150 अंक, ठीक है, कुल 150 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि टोटल जो प्रश्न दोस्तों कितने हैं 150 है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 2 अंक है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे ले जाएंगे। यानी कि आपका जो पेपर दोस्तों कंप्यूटर पर नहीं होगा, ये इस तरीके से आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है, जिनमें से आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें कितने रहेंगे 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है दोस्तों, तो हर टाइप के इसमें प्रश्न आएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें क्या क्या आपको नहीं करना है वो भी आप इसको आप बिल्कुल खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो एक एक करके बिल्कुल मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा अब यहाँ पर जो 16वां पॉइंट है 16वें पॉइंट पर थोड़ा गौर करिए, ठीक है। 16वें पॉइंट में क्या कहा गया दोस्तों यहाँ पर निर्देश क्या है, पेंसिल, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा कक्ष में प्रयोग पूर्णता क्या है वर्जित है, यानी कि रोक है, आप ये नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान है कि पहले से आप तैयारी करके यहाँ पे जाएं। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या कहा गया दोस्तों कि अगर मैं बात करूँ 17 पॉइंट में कि प्रश्न पुस्तिका में सामान्य हिंदी के अतिरिक्त सभी प्रश्न अंग्रेजी हैं और हिंदी में होंगे, हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में अंतर होने पर या हिंदी संस्करण में कोई भी भ्रम की स्थिति होने पर प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में देखें अंग्रेजी संस्करण को ही प्रमाणित किया जाएगा। यानी कि आपके सामने जो प्रश्न रहेगा दोस्तों वो दोनों भाषाओं में रहेगी, हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेगी। जैसे कि मैं इसको आपको प्रश्न दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं कि ऊपर का दोस्तों ये इंग्लिश में नहीं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में लिखा गया है, फिर उसी को ये इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए। तो इन्होंने एक बात कही है कि अगर मान के चलिए कि हिंदी में आपको कुछ गलती आ रहा है, ठीक है, हिंदी में प्रश्न में कोई गलती है तो इंग्लिश का पढ़िएगा और इंग्लिश में जो सही माना जाएगा वही प्रश्न का सही माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हर टाइप के यहाँ पे प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो एक एक निर्देश आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, और मैं भी आपको कुछ जो महत्वपूर्ण जो निर्देश है दोस्तों वो भी मैं आपको क्या करता हूँ बताता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि 5वें पॉइंट में लिखा है कि रफ यानी कि कच्चा कार्य परीक्षा पुस्तिका में दी गई खाली जगह पर ही करें। यानी कि जब आप ये पेपर जो खोलेंगे दोस्तों तो आपके पास एक रफ करने के लिए उन्होंने क्या दिया, जगह दिया, ऊपर लिखा गया है कि कच्चे, ठीक है, कच्चे काम के लिए जगह। यानी कि आपके पास मैथ है दोस्तों, अगर मैथ का सवाल सॉल्व करते हैं तो पहले आप इसको रफ करेंगे यानी कि आप इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको सही निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि OMR सीट कैसे होती है तो उस सीट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस निर्देश को, ठीक है, वीडियो को रोक के आप इस निर्देश को एक एक करके बिल्कुल सावधानी से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, आप एग्ज़ाम में बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जा सकते हैं और अपने जो, ठीक है, जो भी डाउट है आप इस वीडियो में, ठीक है, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब मैं बात करता हूँ OMR सीट, तो ये जो सीट है दोस्तों ये आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही मिलेगी, ठीक है, तो कैसे भरना है नहीं भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया है, जैसे मेरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, मेरा जो प्रश्न है जैसे कि दूसरा प्रश्न है, ठीक है, तो दूसरे प्रश्न मुझे लगता है कि मेरा आंसर है सी है, ठीक है, क्या लगता है दोस्तों, सी है, तो मैंने इसको हल किया और मेरा आंसर सी आया। तो मेरे पास जो उत्तर पुस्तिका दोस्तों आप जो देख सकते हैं ये जो उत्तर पुस्तिका है, ठीक है, जहाँ पे लिखा OMR उत्तर पत्रक, ठीक है, तो मैं दूसरे पे जाऊँगा और दूसरे का मैंने क्या बताया दोस्तों कि मेरा आंसर कितना है सी है, ठीक है, तो दूसरे का ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, दूसरे का सी, ठीक है, दूसरे का सी है दोस्तों, तो इसको मैं क्या कर दूँगा, पूरी तरीके से काला कर दूँगा, ऐसा काला करूँगा कि सी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो आपको भी क्या करना, पूरा ही काला करना है, कभी भी आपको टिक और यहाँ पे क्रॉस का निशान नहीं लगाना है, ठीक है, तो आपको इसमें भरना है, इसमें नहीं करना, इसमें तो सिर्फ आप टिक लगा सकते हैं, तो ये आंसर नहीं माना जाएगा, आपका जो आंसर इसमें जो भरेंगे वो माना जाएगा। तो अगर आपको डाउट है दोस्तों कि क्या क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे परीक्षा का केंद्र कोड रहेगा, अनुक्रम रहेगा, ठीक है, यानी कि आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे शिफ्ट रहेगी प्रथम शिफ्ट में, या ठीक है प्रथम शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं या द्वितीय शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको भरना नहीं आता है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, ठीक है, दिक्कत क्यों नहीं, चलिए देखिए, जब आप इसको पीछे की तरफ पलटेंगे, ठीक है,
तो अब आपको क्या देखेगा, इसमें निर्देश दिए गए हैं कि आपको जो है किस तरीके से इसको फिल करना है। ठीक है, ये जो है दोस्तों उत्तर पुस्तिका, इसको कैसे हल करना है। तो ये क्या दोस्तों कि आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि परीक्षा केंद्र का कोड कैसे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, कैसे कोड भरेंगे। ठीक है, जीरो है तो जीरो पे लगा देंगे। ठीक है, अनुक्रम जो रोल नंबर कैसे भरेंगे, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे सबसे मेन जो दोस्तों वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके ध्यान देना, नहीं तो आपका पेपर व्यर्थ है अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो। जैसे जैसे आप देख लिखा गया है कि अगर आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है, तो चार ऑप्शन में एक ही सही होगा। जैसे आपका आंसर डी सही है, तो आप क्या करेंगे, इस डी को पूरी तरीके से काला कर देंगे, तो ये आपका सही माना जाएगा। कभी भी क्रॉस कर देते हैं, जैसे आपका आंसर ए आ जाता है, इसको कट कर देते, तो ये गलत माना जाएगा। अगर आपका आंसर बी है, ठीक है, या कुछ भी है, तो अगर आप सिर्फ राइट कर देते तो भी गलत माना जाएगा, इसको आधा भरते हैं तो भी गलत माना जाएगा, और अगर दो बार भर देते तो भी गलत माना जाएगा। यानी कि सही वही माना जाएगा जो पूरी तरीके से काला कर देंगे। तो ये भी बिल्कुल क्या दोस्तों, ये एक रफ है जो आपको ओमार सीट के पीछे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी प्रकार के। अगर इस पेपर का पूरा पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ठीक है, यूपी पुलिस का पीडीएफ चाहिए कि कैसा पेपर आया था, तो इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में जाना है, कॉमेंट्स कर देना है, तो आपको पीडीएफ का जो लिंक है दोस्तों मैं आपको भेज देंगे, और आप डाउनलोड करके आप घर पर भी उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे प्रश्न आते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।